सजा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया के सजा पर आगरा की जिला सत्र न्यायालय फैसला सुना सकती है। सांसद रामशंकर कठेरिया को मिली 2 साल की सजा के मामले में जिला जज की अदालत अपना फैसला सुनाएगी। मामला नवंबर 2011 का है। आरोप है कि रामशंकर कठेरिया ने टोरेंट पावर के ऑफिस में घुसकर अधिकारी से मारपीट की थी। इसको लेकर हरिपर्वत थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में सांसद को दोषी पाते हुए 5 अगस्त 2023 को 2 साल कैद 51,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि बचाव के पक्ष के वकीलों की सजा के खिलाफ याचिका दाखिल करने के बाद अदालत ने सजा पर रोक लगा दी थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक बड़ा आयोजन करने जा रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले कार सेवकों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्राणों का बलिदान करने वाले कार सेवकों की आत्मा की शांति और उनकी मुक्ति के लिए 13 अक्टूबर की शाम राम की पैड़ी पर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 13 अक्टूबर आज 11 है, संभवतः आज बुधवार है, तो 13 अक्टूबर को शुक्रवार सायंकाल 6 बजे से 7 बजे तक राम की पैड़ी पर सब ज्ञात अज्ञात हुतात्म आत्मोत्सर्ग करने वाले सभी लोगों की वाराणसी में 5वीं संस्कृति संसद का आयोजन होने जा रहा है और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 3 नवंबर से 5 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में देश भर के 400 से ज्यादा संत और शंकराचार्य शामिल होंगे। इस बार संतों की संसद में सनातन का षड्यंत्र, हिंदुओं के धार्मिक निर्णय, गजवाए हिंद और वक्फ कानून जैसे कुल 27 मुद्दों पर चर्चा होगी। सनातन धर्म पर स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, श्री काशी विद्वत परिषद के मार्गदर्शन में गंगा महासभा के द्वारा संस्कृति संसद का आयोजन होता है। पिछली बार की तरह से यह 5वां एडिशन है, परंतु पीछे के दिनों से अब की परिस्थितियां बदली हुई हैं। जिस तरीके से पूरे विश्व में डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से सनातन हिंदू धर्म के विरोध में सेमिनार किए गए। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। We'll be right back.